हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कांटे वाले चम्मच से सुंदर ऊन की तोरण बनाना बताऊंगी। इस तोरण को बनाने के लिए मैंने ये कांटे वाला चम्मच यूज किया है और मैंने इसमें पिंक कलर की ऊन का यूज किया है। फ्रेंड्स, कांटे वाले चम्मच से फूल बनाने के लिए हम ऊन को चम्मच पर एक दांते छोड़कर दूसरे दांते से फंसाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कुछ इस प्रकार से ऊन को चम्मच में लपेट रही हूँ। इसी प्रकार से हम ऊन को 25 राउंड तक इस चम्मच में लपेटेंगे। फ्रेंड्स, ये देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, पर यह बहुत ही आसान है। आप भी एक बार ये फूल बनाकर जरूर देखें, ये बहुत ही सुंदर फूल बनता है। फ्रेंड्स, मैंने ऊन को 25 राउंड तक इस चम्मच में लपेट लिया है। अब हम थोड़ी सी बड़ी ऊन का धागा लेकर इसे काट लेंगे। अब हम सुई की सहायता से इस फूल को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर एक दांते में जो भी ऊन लपेटी हुई है उसको हम कुछ इस प्रकार से सिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से नहीं सिलेंगे तो आपका फूल नहीं बनेगा। ये देखिए, हर एक दांते से जो भी ऊन लपेटी हुई है उसको कुछ इस प्रकार से सिलना है। उसके बाद जो मैंने पहले ऊन छोड़ी हुई थी उस पर हमें गांठ लगा लेनी है, जिससे कि हमारा फूल बिगड़े नहीं। अब हमें सुई को इस लास्ट वाले दांते से क्रॉस करके इस तरफ निकाल लेना है। इसके बाद अब हम ऊन को चम्मच से हटा देंगे और इस प्रकार से फूल को सिलेंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमारे फूल की एक कली बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी लग रही है और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से हम बहुत सारी कलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम सुई की सहायता से एक कली को ऐसे मोड़ते हुए धागे में डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक कली को फोल्ड करते हुए धागे में डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं 7 कलियों का एक फूल तैयार कर रही हूँ। आप 5 कली, 6 कली या 10 कली का भी फूल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी प्रकार से 7 कलियों को धागे में डाल लिया है। अब हम बड़े वाले धागे को छोटा सा काट लेंगे और इसे पलट कर एक टाइट गांठ लगाएंगे। फ्रेंड्स, गांठ हम टाइट इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि हमारा फूल अच्छे से टाइट बना रहे। अगर हम गांठ को ढीला कर देंगे तो हमारा फूल लूज हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फूल बनकर तैयार है, कितना प्यारा लग रहा है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे फूल बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पोम बनाएंगे। पोम बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है और इसमें पिंक कलर की ऊन को 70 राउंड तक लपेटना है।
ये मैंने 70 राउंड तक ऊन को कार्डबोर्ड में लपेट लिया है। अब हम ऊन का छोटा सा टुकड़ा काटकर ये राउंड की हुई ऊन को अच्छे से बांधेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें अच्छे से गांठ लगाएंगे जिससे कि हमारा पोम अच्छा बने। अगर गांठ ढीली रह जाएगी तो हमारे पोम की एक एक ऊन बाहर निकल जाएगी और हमारा पोम खराब हो जाएगा। इसलिए हम इसमें अच्छे से गांठ लगाकर इसको बांध लेंगे। अब हम इसको कैंची की सहायता से दोनों तरफ से काट देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा पोम कट चुका है दोनों तरफ से। अब हम इसको अच्छे शेप में लाने के लिए इसकी जो भी बड़ी ऊन है उसको काटकर हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोम कितना सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे पोम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, तोरण में जो झालर लगी हुई है हम उसको बनाएंगे। झालर बनाने के लिए मैंने सफ़ेद ऊन का यूज किया है और एक कार्डबोर्ड के टुकड़े में मैंने ऊन को 25 राउंड तक लपेटा है। इस राउंड पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इस झालर को एक साइड में अच्छे से गांठ लगाकर बांध लेंगे जिससे कि हमारी झालर ढीली ना हो। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैं इसको लपेटते हुए अच्छे से गांठ लगा रही हूँ। गांठ लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम इस झालर को नीचे के साइड से काट देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इस झालर में जो भी नीचे एक्स्ट्रा ऊन है उसको भी अच्छे से काट देंगे जिससे हमारी झालर सुंदर लगे। ये देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से काट कर झालर बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम तोरण की लड़ी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने पिंक और वाइट और गोल्डन कलर के मोतियों का यूज किया है। मैंने सबसे पहले झालर को डाला है, उसके बाद मैंने बड़े साइज के गोल्डन कलर के मोती को डाला है, फिर मैंने पोम को डाला है, उसके बाद फिर से बड़ा साइज का गोल्डन कलर का मोती डाला है, उसके बाद मैंने दो वाइट कलर के मोती, तीन पिंक कलर के मोती और दो व्हाइट कलर के मोती डाले हैं। ये हमारी तोरण की एक लड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से हम और लड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने इस वीडियो में इस तोरण की पट्टी को बनाना नहीं बताया है। मैंने ये पट्टी कुल्फी वाले चम्मच से बनाई है। आप इस तोरण की पट्टी को फीते में भी बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ग्लू गन की सहायता से मैं एक एक फूल को पट्टी पर चिपका रही हूँ। आप इस तोरण को सुई धागे की सहायता से बनाएं। आप इसको फीते पे या ऊन पे बनाकर सुई धागे की सहायता से एक एक फूल को पट्टी से सिल दें जिससे आपकी तोरण लंबे समय तक बनी रहेगी। इसी प्रकार से मैंने सारे फूलों को इस पट्टी में चिपका दिया है। अब हम इसको उल्टा करके रखेंगे और हमने जो लड़ियां बनाकर रखी थी वो हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये लड़ी मैं एक फूल के बिल्कुल बीचों बीच लगा रही हूँ और मैं ये ग्लू गन की सहायता से लगा रही हूँ, लेकिन आप इन लड़ियों को सुई धागा की सहायता से लगाएं। अब हम इसी प्रकार से पूरी तोरण में लड़ियां लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी तोरण को सीधा कर रखेंगे और इसमें मोती लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये मोती आप सुई धागे की सहायता से लगाएं।
फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।